जय किसान साथियों, मैं रवि आजाद। साथियों, 16 मई को हिसार के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो बुजुर्गों के ऊपर, किसानों के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर जो पत्थर बरसाए गए और आईजी की मीटिंग में धोखा दे करके जो 26 नामजद और 350 अन्य किसान जिनके ऊपर 307 के पर्चे दर्ज हुए हैं, उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 19 मई को किसान पंचायत मैयर टोल प्लाजा पे हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि जो जिन्होंने कोरोना का उल्लंघन किया है, प्रशासन और सरकार के लोगों ने, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। जो हमारे चोटिल किसान हैं, उनकी MLR कटवाई गई है, उनके मुकदमे दर्ज किए जाएं और जानलेवा हमला करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने पत्थर बरसाए, किसी की जान भी जा सकती है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाएं। क्योंकि एक तरफ हमारे साथ धोखा होता, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी MLR कटवा करके हमारे खिलाफ, किसान भाइयों के खिलाफ 307 के पर्चे दर्ज किए जाते हैं। तो इन तीन मुद्दों को लेकर के हिसार के मैयर टोल प्लाजा पे, रामायणा टोल प्लाजा पे फैसला हुआ था 19 तारीख को, और अब यानी कि कल 24 तारीख को सुबह 10 बजे हिसार कमिश्नरी के जो जिले हैं और हरियाणा भर में जो जहां से आना चाहे हमारा किसान भाई, युवा साथी, माताएं बहने, वो कल सुबह 10 बजे हिसार के क्रांतिमान पार्क में शांतिप्रिय तरीके से एक बड़ी संख्या में हिसार कमिश्नर के घेराव में पहुंचे। अगर हमारी तीनों मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर कल के घेराव में आगामी बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की और प्रशासन की होगी। और मेरी सबसे अपील है, हम अहिंसात्मक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से सिरों को जोड़ते हुए इस आंदोलन को मजबूती देने का काम करें और कल 24 मई को सुबह 10 बजे हिसार के क्रांतिमान पार्क में बड़े जत्थों के साथ कमिश्नरी के जिले और जहां जहां हरियाणा से जो जो किसान भाई और युवा साथी आना चाहे, वो बड़ी संख्या में पहुंचे और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको धन्यवाद। जय हिंद।